चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिटायरमेंट में चंद दिन बाकी रह गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर्ड होंगे और 17 सितंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इससे पहले नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस 14 सितंबर को इशाया देंगे। पीपीआई के मुताबिक चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब में आला अदलिया के जजेस और वकला रहनुमा शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एजाज में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस के मुनक्किद होने से मुतालिक चहमगोइयां शुरू हो गई हैं। सोमवार के रोज नए अदालती साल के आगाज पर मुनक्किदा फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट के तकरीबाती हॉल में एक रिपोर्टर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से सवाल किया कि क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। फाजिल जज ने मुस्कुराते हुए सहाफी से सवाल कर दिया कि क्या आज वाला रेफरेंस काफी नहीं, एक ही शख्स को सुन सुन कर आप लोग बोर हो जाएंगे। बाद अजां सहाफी ने नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से भी यही सवाल किया, क्या चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे उन्होंने आज तकरीर में तो कहा है कि शायद ये इनका आखिरी खिताब है।